अभी थोड़ी देर पहले विनय कुमार जी ने आपसे जल की चर्चा की। यह चर्चा प्रारंभ हुई, हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर एक प्राइवेट मेंबर बिल रखा कि भाई स्वच्छ पानी लोगों को मुहैया होना चाहिए। सरकार बहुत पैसा खर्च करती है अस्पताल बनाने में, सरकार पैसा खर्च करती है चिकित्सा करने में, इलाज करने में, दवाइयां बन रही हैं, दवाइयां खाई जा रही हैं, पर अगर हम बीमारी को होने ही ना दें तो अस्पताल बनाने में, दवाई बनाने में कम खर्च होगा। और जब यह स्टडी किया गया कि आबे जमजम का पानी कैसा है, यह स्टडी किया गया कि जो हमारे हिमालय का ग्लेशियर वाटर है जिसे हम कहते हैं अति पवित्र होता है, इसमें क्या है, जब यह स्टडी किया गया कि हंसा वैली के अंदर जो लोग 100-100 साल तक जिंदे रहते हैं ये कैसे रहते हैं, उनका पानी कैसा है, तो वो पानी एल्कलाइन पाया गया, वो सब लोग एल्कलाइन पानी पीते हैं। तो हमने भी ये चर्चा की कि सामूहिक रूप से ये एल्कलाइन पानी मिले, जापान के अंदर कई वर्षों से इसको लोग पी रहे हैं। तो ये चर्चा जब हुई तो विनय कुमार जी और हमारे देशपांडे जी, उनसे हम मिले, हमने कहा भाई ये चीज हमें, ये हमारे भारत के अंदर उपलब्ध होनी चाहिए। आप स्विट्जरलैंड जाएंगे, आप नलके का पानी खोलिए पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्योर ड्रिंकिंग वाटर है। यहां क्यों नहीं होता, जबकि आपकी म्युनिसिपैलिटियों को पूरा पैसा मिलता है कि आप उस पानी को साफ करें। तो वहां सिस्टम यह है कि काउंटी के लोग जाते हैं, टेस्ट करते हैं, पानी में अगर गड़बड़ हुई, मिलावट हुई, तो उस म्युनिसिपैलिटी को फाइन करते हैं, उसको दंडित करते हैं। यहां भी ऐसा कानून बनना चाहिए, यहां तो पानी इतना खराब है उसके अंदर ऐसा पानी निकल, आर्सेनिक उसके अंदर है, जिससे आदमियों को गठिया हो रहा है। अक्सर हम कहते हैं यार बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ी अच्छी बातें करता था, सत्संग सुनाता था, अरे कैंसर हो गया। कैसे हो गया भाई कैंसर? अब कैंसर ऐसे हो गया कि वो एसिडिक पानी पी रहा है, तो कैंसर तो होगा ही। तो इस चीज की रोकथाम, ठीक है कैंसर का इलाज होगा, बड़ा खर्चा उसमें होता है, लोगों का घर बार लूट जाता है, जमीनें बिक जाती हैं, पर अगर हमारा ये प्रयास हो कि हम एल्कलाइन वाटर दें तो ये बीमारी ही ना हो। तो हमें विनय कुमार जी, देशपांडे जी ने कहा कि साहब ये एल्कलाइन पानी पियोगे तो 3-4 महीने में थायराइड भी आपका ठीक हो जाएगा। आज ये एक्जिमा और त्वचा की बीमारियों के बारे में कह रहे थे कि इसमें भी बड़ा लाभ होता है, और जो एसिडिक वाटर निकलता है उसका आप उपयोग कर सकते हैं उसके अंदर।